नमस्कार दोस्तों, ऑल टीईटी चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच छठी का इतिहास लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। उसका दूसरा चैप्टर है आखिट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। पहले चैप्टर के बारे में हमने पहले पढ़ चुके हैं या आपको मैंने बता दिया है, उसको आप लोग ध्यान से तो ज़रूर देख लीजिएगा। आज मैं दूसरा चैप्टर लेकर के आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ, तो चलिए पढ़ते हैं। तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसने खिड़की वाली सीट मिल गई, जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलियान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रख कर के कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। अब यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आ जाता है कि लोग रेल से यात्रा करनी मतलब करना आरंभ कब किया था। तो आपने देख लिया कि यहाँ पर कह रहे कि 150 साल पहले। तो किसने बताया? तो तुषार के चाचा ने बताया 150 साल पहले। बस तो इसके कुछ ही दशक बाद आई है, बस जो है उसके कुछ दशक बाद आई है। तुषार सोचने लगा कि लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। अब आगे देखते हैं कि चैप्टर क्या कहता है। आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? आरंभिक मानव के बारे में पढ़ते हैं। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले से रहते थे। आज हम उन्हें आखेट खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। यहीं से प्रश्न उठाता है सीटेट में। आप लोग इसको ध्यान से लाइन बाय लाइन पढ़िए और अपने बुक में अंडरलाइन भी करना होगा आपको। भोजन का इंतजार करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल, मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा करते मतलब किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरे जगह पर घूमते रहते थे। अब कौन घूमते रहते थे? तो आखेटक खाद्य संग्राहक के समुदाय। आगे देखते हैं, आगे कहा है कि पहला कारण यह है कि वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसीलिए और भोजन की तलाश में दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाया करते हैं। इसीलिए इस जानवरों का शिकार करने वाले लोगों मतलब लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। आगे देखते हैं और क्या कहता है पाठ। अब तीसरा कारण जो है वो कह रहा है कि तीसरा कारण यह कि पेड़ों और पौधों में फल मूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसीलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाके में या इलाकों में घूमते होंगे। चौथा कारण कह रहा है कि यह कि पानी के बिना किसी भी प्राणी का, पेड़ पौधे का जीवन रहना संभव नहीं होता है। ये तो हम भी समझते हैं और आप भी समझते हैं। तो पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता और कुछ झील और नदियों की में पानी जो है बारिश के बाद ही मिल जाता मतलब मिल पाता है। ये तो हमारे आपके भी आसपास में होता है। कई तालाब ऐसे होते हैं जो पहले बहुत मतलब भरी होती हैं, बाद में उसके पानी सूख जाता है। इस तरह इन लोगों के साथ में भी होता होगा। आगे देखते हैं, इसीलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे वे लोग मतलब किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर क्या होता था, जाना पड़ता था।
ये चार कारण जो है वो आप लोगों को मैंने बताया है। इन चारों कारण को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि सी टैट में इस तरह के प्रश्न आते ही हैं कि इसमें से कौन सा कारण था कि वे लोग अगल बगल घूमते थे या एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। आगे देखते हैं, अगला है कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। अब आरंभिक मानव के बारे में पढ़ते हैं। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए। और किस किस के औजार बनाए हैं? पत्थरों के, लकड़ियों के और हड्डियों के, ऐसे भी प्रश्न आते हैं, इसको अंडरलाइन जरूर कीजिए। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं। किसके औजार आज भी बचे हुए हैं? तो पत्थरों के। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगा करके भाले और बांध जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए किया जाता था। अब लकड़ियों का उपयोग क्यों किया जाता था, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। और उनके जो औजार होते थे, उनमें जो पकड़ने वाला मुट होता है उसमें क्या लगाया जाता है, ये भी प्रश्न आ सकता है। तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक जरूर देख लीजिए। चलिए अब इनके औजार के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं इंसान के खाने योग्य जड़ों और खोदने के लिए किया जाता था, और दाएं जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। अब देख लीजिए वस्त्रों को वो लोग कैसे सिलाई करते थे, और पेड़ के जो छाल होते हैं, खाल होते हैं, उसको किससे निकालते थे। ये दोनों ही औजार जो है वो आप लोगों के सामने उपस्थित है। इस तरह के भी प्रश्न आ जाएंगे, आप लोग ध्यानपूर्वक इसे देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है रहने की जगह निर्धारित करना। अब आगे की कह रहा है कि मानचित्र दो, अभी दिखाऊंगा आप लोगों को। लाल त्रिकोण वाले स्थान में पूरा स्थल है, जो लाल त्रिकोण है वहाँ पर जो है वो पूरा स्थल है जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ पर ये लोग रहते थे, इसका प्रमाण मिलता है, उसको आप लोग मानचित्र को ध्यान से देख लीजिएगा। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पूरा स्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखते हैं। चलिए आप लोगों को मानचित्र दिखाता हूँ, देख लीजिए। मानचित्र मैंने थोड़ा रोक दिया, आप देख लीजिए। यहाँ पर जो है वो मेड़गढ़ हो गया, भुर्जहोम हो गया, भीमबेटका हो गया, कोलडीहवा हो गया, महागढ़ हो गया, चिराद हो गया, गंगा नदी यहाँ पर है, कोलकाता यहाँ पर है, ताप्ती नदी यहाँ पर है। ये सारे मानचित्र जो है वो आराम से आप लोग देख लीजिए, मैं थोड़ा रोक दिया हूँ, आप इसको ज़रूर देख लीजिए। देखिए यहाँ पर इनाम गाँव है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर हुगली कृष्णा नदी दोनों हैं, कुर्नूल गुफा यहाँ पर है, ब्रह्मगिरी यहाँ पर है, पयमपल्ली यहाँ है, अरब सागर इधर से है। ये सारे मानचित्र को आप लोग जरूर ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। अब ये मानचित्र में जो दिया हुआ है उसका संकेत इसको, तो इससे आपको पता चल जाएगा पूरा पाषाणिक पूरा स्थल। इस तरह के त्रिकोणा वाला जो है वो पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है, जैसे ये कुर्नूल की गुफा। उसी प्रकार से देखिए नव पाषाणिक पूरा स्थल में चौकोर सा है, चौकोर सा है, तो चौकोर वाला हम ढूंढेंगे तो ये हो गया पयमपल्ली, हलतर, इस तरह के। और उसी प्रकार से हम अगला देखते हैं महापाषाणिकपुरा स्थल, तो ये हो गया इनाम गांव। और भी होंगे, आप ध्यान से देख लीजिएगा। उसी प्रकार से नहीं नहीं ये वाला नहीं है, सॉरी इनाम गांव नहीं है, यहाँ पर है आपका ब्रह्मगिरी। उसी प्रकार से आरंभिक गांव जो है वो इनाम गांव है, आधुनिक नगर। इसमें सारा कुछ आपको मिल जाएगा, आप लोग आराम से देख लीजिएगा। टाइम कम होने के कारण मैं आप लोगों को चैप्टर पूरा करवा रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश। भीमबेटका कहाँ पर है? आधुनिक मध्य प्रदेश में। इस पूरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं, यहाँ पर कंदराएं और गुफाएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि वहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास में हैं। ये गुफाएं कहाँ पर है? नर्मदा घाटी के पास में।
क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी होगी? आप लोग थोड़ा मनन कीजिएगा इस बात पे। चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत ही महत्वपूर्ण थे, इसीलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके। अब देखिए शैल चित्रकला इनसे हमें क्या पता लगता है। अब ये दो तरह का देख लीजिए, शैल चित्रकला दिया है, एक शैल चित्र, इस चित्र के बारे में बताओ। अब आप इस चित्र के बारे में बताइए, थोड़ा पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद। इन गुफाओं में लोग रहते थे, उनमें से कुछ ही दीवारों पर चित्र मिले हैं, और इन कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश के और दक्षिणी उत्तर प्रदेश के गुफाओं में मिले हैं, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के गुफाओं में। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। किसका चित्रण किया है? मानव का नहीं किया गया है, जंगली जानवरों का चित्रण किया गया है। इसको भी थोड़ा देख लीजिए आप लोग, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, देख लिया आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं पुरास्थल के बारे में। पुरास्थल क्या है? पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुएं अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तट, मतलब तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में मैं बताऊंगा। आगे देखते हैं आग की खोज। अब आग की खोज कैसे की गई है, इस तरह के भी प्रश्न आता है। मानचित्र दो में कुर्नूल गुफा को ढूंढो, अभी मैंने दिखाया आपको, यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। राख के अवशेष कहाँ मिले हैं? कुर्नूल गुफा। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना जो है वो सीख गए थे। कौन से लोग आग जलाना सीख गए थे? आरंभिक लोग। इस्तेमाल में कई कार्यों के लिए किया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भुनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। तो आगे हम देखते हैं कि आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं, थोड़ा आप इसके बारे में अपने आप को मनन कीजिए। नाम और तिथियाँ, नाम और तिथियों के बारे में पढ़ लेते हैं। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल, आरंभिक काल को क्या कहते हैं? पूरा पाषाण काल। यह दो शब्दों, पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पूरा स्थानों से प्राप्त पत्थर के औजार के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इस काल को भी तीन भागों में विभाजित किया गया है। अब तीन भाग कौन कौन से हैं? आरंभिक काल, मध्य काल एवं उत्तर पूरा पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे, घटित हुई है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, जिस काल में हम पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मोसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। मोसोलिथ का मतलब हो गया मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण युग। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इस काल में जो औजार होते थे वो बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण काल कहा जाता है। लघु पाषाण को माइक्रोलिथ, लघु पाषाण काल कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसियाँ और आड़ी जैसे औजार मिले हैं। हंसियाँ और आड़ी जैसे औजार कब मिले हैं? तो इस बात को आप लोग देख लीजिए, लघु पाषाण काल में जो है वो मिले हैं। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इन दौरान बनाए जाते हैं। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इस बात को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगले कह रहे हैं नवपाषाण युग कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का क्या मतलब होता होगा? हमने कुछ स्थलों के नाम दिए, अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थलों के लिए उन नामों का उपयोग करते हैं जो आज प्राचीन, मतलब प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। चलिए इसको थोड़ा आप लोग जल्द समझ लीजिएगा, आगे मैं पढ़ता हूँ, टाइम बहुत कम है। यहाँ पर कहता है कि बदलती जलवायु, क्या है? बदलती जलवायु, एक बार देख लीजिए ध्यान से, बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी।
इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे और इससे हिरण हो गया, बारहसिंघा हो गया, भेड़ हो गया, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो कि घास खा करके जिंदा रह सकते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी को हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़ कर अपनी क्या करते थे, अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हो। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत था। आगे हम लोग देखते हैं कि खेती के बारे में हम थोड़ा जानते हैं। खेती और पशुपालन की शुरुआत, इस दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पक करके तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रख करके जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। अब यहाँ पर धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को क्या करें उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से क्या करते थे, इनकी सुरक्षा किया करते थे। और इस तरह धीरे धीरे पशुपालक बन गए। क्या बन गए, इस तरह से वो लोग धीरे धीरे पशुपालक बन गए। सबसे पहले क्या उपजाया था, तो जौ, गेहूं। और सबसे पहले किसको पालतू बनाया, तो कुत्ता को बनाया। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्तों को पालतू क्यों बनाया गया? अब इसके बारे में आप थोड़ा अपना मनन कीजिएगा। अब आगे देखते हैं बसने की प्रक्रिया। आज यहीं तक रहने देते हैं, अगला जो इसका दूसरा भाग होगा, क्योंकि एक दिन में एक चैप्टर पढ़ाना जो है वो बहुत ही मुश्किल है। एक दिन में हम आधा रहने देते हैं, उसके अगले दिन फिर आधा पूरा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हो सके तो अपने दोस्तों में से शेयर भी करें, क्योंकि बहुत ही उपयोगी चैप्टर है। यह है छठी का इतिहास, चैप्टर नंबर 2। धन्यवाद।